पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद प्रदेश की भाजपा सरकार विपक्ष के निशाने पर है। परीक्षा को सरकार ने रद्द कर दोबारा करवाने का निर्णय लिया है। युवा कांग्रेस ने पेपर लीक को भाजपा सरकार का चलन बताया और आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर लाखों बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, जिसको लेकर युवा कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। पिछले कल जो पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक का मामला सामने आया है, जिसके लिए हजारों छात्र कई सालों से तैयारी कर रहे थे और ये पुलिस कांस्टेबल भर्ती लीक का मामला इससे पहले भी सरकार ने करवाया था, उसमें भी कहीं ना कहीं डम्मी बिठाए गए थे। और फिर से आप देखिए कि किस प्रकार से परीक्षा का परिणाम भी आ चुका था, परिवारों में खुशी की लहर भी थी, जिसमें मैक्सिमम आम परिवारों से छात्र थे जो लंबे समय से बेरोजगारी से तरस थे, उनको कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण दिखी थी। तो उसको लेकर जिस प्रकार से सरकार का तुगलकी फरमान, एक तो सरकार की अपनी नाकामी है, सरकार के अपने नज़रों के सामने इस प्रकार की घटना घटती है। और आप देखिए, जिस डिपार्टमेंट का काम कानून व्यवस्था बनाना है, उसी डिपार्टमेंट में इस प्रकार का पेपर लीक का मामला आता है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। युवा कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करती है और सरकार से मांग करती है, इससे पूर्व जिस प्रकार से पेपर लीक के मामले, चाहे पटवारी पेपर लीक का मामला हो, चाहे कंडक्टर भर्ती का मामला हो, इस प्रकार के जितने भी मामलों में आपने SIT गठित की, पर उसका कुछ परिणाम निकला नहीं। युवा कांग्रेस आपसे निवेदन करना चाहती है और गवर्नर साहब को युवा कांग्रेस के तरफ से ज्ञापन भी दिया जाएगा कि खाली SIT से काम नहीं चलेगा। SIT गठित करना कहीं ना कहीं एक प्रदेश की जनता को भ्रमित करने के बराबर है। सरकार सिटिंग CBI या हाई कोर्ट के सिटिंग जज के माध्यम से इसकी जांच करे, नहीं तो मजबूरन युवा कांग्रेस को, छात्रों की आवाज़ को बुलंद करते हुए मजबूरन युवा कांग्रेस को जन आक्रोश के माध्यम से एक कहीं ना कहीं हमारे को एक सड़कों पर भी अगर उतरना पड़े और कहीं उग्र आंदोलन भी करना पड़े, तो छात्रों की समस्याओं को लेकर, छात्रों की इस पीड़ा के साथ युवा कांग्रेस हमेशा खड़ी रही। उज्जवल हिमाचल के लिए ब्यूरो शिमला। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स।